बरसगीर हिंदो पाक में इशात इस्लाम के लिए सूफियाई किराम का किरदार भी बहुत अहम तस्लीम किया जाता है। सूफियाई किराम के इखलाक की पाकिजगी, साफ सुथरी जाहिदाना और बेतमा जिंदगी, खल्के खुदा के साथ हमदर्दी, बिला तफरीक मजहब व मिल्लत इंसानों से मोहब्बत के जज्बे ने आम लोगों को इन सूफियाई किराम के करीब कर दिया, जिससे वो दामने रहमत में दाखिल हो गए। इन्हीं सूफियाई किराम में हजरत बालिग शहीद रहमतुल्लाह अलैह भी शामिल हैं, जिनका मकबरा शहर की हलचल से दूर मगरबी बंगाल के मद्दापुर शहर के शेखपुरा इलाके में वाका है। यहाँ हर मजहब व मिल्लत के लोग हाजिरी देते हैं और फैज हासिल करते हैं। प्रत्येक सम्प्रदायर मानुष आछे, आमरा एसेछि तो आमादेर परकाल जाते भालो हय, सम्प्रीति जाते बजाय रखते पारि, भ्रातृत्वबोध जाते इनादेर जे शिक्षा सेगुलो अर्जन करते पारि, सेई उद्देश्य निये आमरा फुरफुरा शरीफेर ओसिला निये डानकुनी थेके एसेछि। विभिन्न मानुष एखाने सब सम्प्रदायर मानुष एसे एई जल ग्रहण करे, नेय, तारा पान करे आर तादेर उपकारेर कथाओ एखाने घोषणा करे जे आमरा एई उपकार पेयेछि। सेई उद्देश्य निये जलेर महत्व अनेक बेशि। मगरबी बंगाल के मदनापुर शहर के शेखपुरा इलाके में वाका हजरत बालिग शहीद रहमतुल्लाह अलैह का मजार मजहबी हम आहंगी की अलामत है। तमाम मजाहिब के लोगों में मजार मजहब की हदूद को कम करने, अमन और हम आहंगी को फरोग देने में एक मखसूस किरदार अदा करता है। इस मजार पर सबसे ज्यादा तवज्जो का मरकज फकीर कुआ यानी एक कुआं है, जिसका पानी कभी खुश्क नहीं होता और इसे अकीदतमंद पीते हैं, चाहे वो किसी भी जात और बिरादरी से ताल्लुक रखते हों। ख्याल किया जाता है कि जब सूफी बुजुर्ग हजरत बालिग शहीद रहमतुल्लाह अलैह 1765 ईस्वी में मदनापुर आए थे तो उन्होंने इस पानी को पेट की मुख्तलिफ बीमारियों के इलाज के लिए इस्तेमाल किया था। आज भी अकीदतमंद इस यकीन के साथ इस कुएं से पानी निकालते हैं कि पानी में शिफा बख्श खसूसियात हैं। एक ठो फकीर कुआं जो बोल के हैं, पीर बाबा है, तो इनका जो कुआं का पानी अगर पीने से हर बला जो है, हर मुसीबत है अच्छा हो जाता है, बीमारी अच्छा हो जाता है। इसी मकसद से हम लोग आए इधर, पानी पिए, जो जो बीमारी है वो शिफा हो जाएगा, इसी उम्मीद से आए हैं। ये जो कुआं है, इसके जो पानी होता है ये शुद्ध माना जाता है, इसलिए हम हमारे दुकान से आते हैं, रोज ही आते हैं, यहाँ से पानी लेकर जाते हैं। इंसानियत के मेराज उस खुदाए बुजुर्ग को बरतर की रसाई है जो इस कायनात का खालिक और इसे दर्जे कमाल तक पहुंचाने वाला है। कायनात की हर चीज खुदा ताला की कामिल सिफात का मजहर है। इंसानियत को अपनी मारिफत से आशना करवाने के लिए अल्लाह तबारक ताला ने अंबिया का सिलसिला जारी किया जो खातिमन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खत्म हुआ। पैगाम इलाही को अगले दौर के लोगों में मुंतकिल करने के लिए जमात सहाबा, औलियाए अल्लाह, सदकीन और सूफियाई किराम का किरदार नुमाया है, जिन्होंने इस्लाम के आदलाना सियासी और माशी निज़ाम को जुल्म के खिलाफ पूरी दुनिया में रूशनास करवाया। इसलिए हर मजहब के लोग सूफिया के किरदार व अमल से मुतासिर हैं। सकाल 6টার সময় খোলা হয়, রাত 8টার সময় বন্ধ করে দেওয়া হয়। কোন জলে দিই সত্য বা জলের মহা জলটা হচ্ছে সবচেয়ে পেটের রোগ খুব ভালো সারে, আর কোনো উদ্দেশ্য করে যদি খায় জল সে
সিদ্ধি লাভ মানে উপশম পাইছে। সমস্ত ধর্মের ধর্ম নিয়ে সবাই আসছেন, কারো বাধা নাই, সবাই আসছে, সবাই জিয়ারত করছে, পরিদর্শন করছেন, কম মান্যত করছে, মান্যত পুরা হয়ে যাচ্ছে, মানত সুদ করে যাচ্ছে, সব কিছুই করছে। এখানে रोजे अव्वल से इस कुर्रे अर्ज पर दो तरह के लोग तुलू और गुरूब होते रहे हैं और हशर तक ये सिलसिला इसी तरह जारी और सारी रहेगा। इनमें एक वो जो ताजोर कहलाते हैं और दूसरे वो जो दीदावर होते हैं। इन दोनों में बुनियादी फर्क ये होता है कि ताजोर सदियों के गुबार की नजर हो जाते हैं, जबकि दीदावर पैवंदे खाक होकर भी तारीख के सीने पर सब्त हो जाते हैं। औलियाए सालिहीन की शख्सियात इस कदर मौसर होती हैं कि उनके पास बैठने वाले अफराद बहुत सी रूहानी नेमतों से मालामाल हो जाते हैं और यूं उनकी सोहबत में बैठने वाले अपनी बदबख्तियों को खुशबख्तियों में बदल लेते हैं। फकरस पेटियुस रूदी दरो तस छुयत क्यों हो तत आदरो जिसने फक्र पर इस्तकामत की वही यहां भी मुअज्जज़ बन गया और वहां भी।